नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंडी प्लस सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बैंडी प्लस सिरप को कैसे लेना चाहिए और बैंडी प्लस सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बैंडी प्लस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में बैंडी प्लस सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। बैंडी प्लस सिरप का उपयोग पेट में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। पेट में कीड़ों की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है। बच्चों के पेट में कीड़े होना एक सामान्य बात है, लेकिन पेट में कीड़े बड़ों को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। पेट के कीड़े भोजन से विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी सोख लेते हैं और पेट में कीड़े होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नहीं लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी होना, वजन का कम होना, पेट में दर्द और भूख कम लगना आदि लक्षण पेट में कीड़े होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर में थकान रहना, लगातार कब्ज की समस्या रहना, खाना खाने के तुरंत बाद मल के लिए जाना, पेट में गैस बनना और दस्त होना आदि लक्षण भी पेट में कीड़े होने पर हो सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। पेट में कीड़ों की जांच करने के लिए आपका डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है। स्टूल टेस्ट की मदद से आपका डॉक्टर यह आसानी से पता लगा सकता है कि आपको पेट में कीड़ों की समस्या है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम जानेंगे कि बैंडी प्लस सिरप कैसे काम करती है। पेट के कीड़े जीवित रहने के लिए भोजन से ग्लूकोज सोखते रहते हैं। बैंडी प्लस सिरप पेट के कीड़ों को ग्लूकोज सोखने से रोकती है, जिसकी वजह से पेट के कीड़ों में एनर्जी की कमी हो जाती है और पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैंडी प्लस सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बैंडी प्लस सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बैंडी प्लस सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, सिरदर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और अस्थायी तौर पर हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा बैंडी प्लस सिरप अस्थायी तौर पर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के लेवल को कम कर सकती है। अगर बैंडी प्लस सिरप को लेने के बाद बुखार, खांसी, गले में खराश, कमर में दर्द या पेशाब करते समय दर्द होता है तो तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैंडी प्लस सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। बैंडी प्लस सिरप को फैटी भोजन करने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। फैटी भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो, जैसे घी, दूध, अंडे आदि। 2 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर पेट में कीड़ों को साफ करने के लिए 10 मिलीलीटर बैंडी प्लस सिरप को केवल एक ही बार और रात को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। पेट में कीड़ों की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर कुछ बच्चों को डॉक्टर 3 सप्ताह बाद बैंडी प्लस सिरप को दोबारा भी लेने की सलाह दे सकते हैं। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बैंडी प्लस सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैंडी प्लस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी ज्यादा गंभीर होने पर बैंडी प्लस सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना बैंडी प्लस सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका बैंडी प्लस सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।